ऐसी बनती है मैगी, ठीक है। इसे बताया मैं खाने के जो चावल के साथ जो मैगी बनाने खाने का बहुत मज़ा आता है भाई, आप ट्राई कर लेना एक बार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सुपर फ्रेंड व्लॉग। आज भाई हम जा रहे हैं, छुट्टी थी लक्स की आर्यन की, तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। देखें किधर को जाते हैं आज, है ना लक्स? तो भाई मिलते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन। हाँ बोलो, लग तो साइकिल पर जाने के लिए गए, तो हम साइकिल में नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे भाई, क्योंकि भी कहीं जा रहे हैं हम, तो अभी पता नहीं कहाँ पर जाना है, लेकिन वहाँ पर जाके मिलते हैं आपसे, जहाँ भी अच्छा लगेगा जहाँ पर। तो अब बने रहे सुपर फैमिली ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय। ये भाई निकल गए घर से, हर रास्ता कई जगह जाम भी है, तो देख सकते हो कहाँ से निकले कहाँ को जाए समझ नहीं आ रहा है। बाकी निकल चुके हैं घर से हम, घूमने का शौक बहुत अलग से है ना। तो भाई मिलते हैं, ओ माय गॉड, खाना भी नहीं खाया हमने, वहीं खाना ही बनाएंगे हम, है ना लक्स? जो है आज देखो क्या बनाता है, क्या बनता है आज, किसको लेके आना पड़ेगा हमको साथ में यार, अकेले नहीं बनाएंगे आज भाई, है ना लक्स? इसको साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो ये खाना बनाएगा, हम खाएंगे, ओके सर, चलो भाई मिलते हैं। चलो पेट्रोल भर लेते हैं पहले भाई, है ना, क्योंकि पेट्रोल भरना जरूरी है। अगर जो है एक्स्ट्रा भी ले जाएंगे मैं पेट्रोल, ठीक है सर, ओके सर, चलो भरते हैं भाई पेट्रोल। तेरे को क्या लगता है, तेरे को ये अच्छा लगता है ये? भर दो भैया 510, 510 भर दो। घर बैठ के आराम नहीं मिला, घूम के आया मैंने, ऊपर तो खुला है मेरे ख्याल, बंद थोड़ा ना हो गया ना उधर नैनीताल का तो है। अच्छा नैनीताल साइड भी जा सकते हैं, चलो भैया पेट्रोल भर दिया मामले में, क्या कह रहे लोग? चलो हम पहुंच चल रहे हैं बलूट, बलूट एक जगह है, आज हम मजे करेंगे दोस्तों के साथ, आज प्लस बच्चे भी हैं देख सकते हो पीछे बैठे हैं। हेलो बोल दो लक्स, हेलो बोल दो। तो भाई मिलते हैं आपको बलूट में, बलूट ना बहुत बेहतरीन जगह, वहाँ दिखा सकते दिखाएंगे आपको, बहुत बेहतरीन जगह है ये देख सकते हो, बाकी नज़ारा यहाँ का देख सकते हो, रास्ता बहुत बढ़िया है, पिकनिक के लिए भी आओगे तो देख सकते हैं। आउटडोर दिखा देना, आउटडोर इनडोर सब दिखाएंगे, गाड़ी से तो खाली ये देखो भाई। वन वे है लेकिन ऊपर से कोई गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन रोड बहुत कंजेस्टेड है भाई,
के देख सकते हो। ओह माय गॉड, मोड़ देखो। डर गया यार, कितने तगड़े मोड़ आ रहे हैं, देखा लक्स। ये देख, मोड़ ले, एरो बना लीजिए। रास्ता देखो ना कितना कैसा है, 8-10 फीट का हुआ है। मोड़ देखो, माय गॉड, मोड़ करना है यार, माय गॉड। जिस हिसाब से एरो में दिखा रहा है, मोड़ इतने है नहीं, पूरा सूखा जंगल भाई। हम देख सकते भाई नज़ारा कितना बेहतरीन है, देख सकते हम पहुंच गए जहां पर पहुंचना था। बाकी कहां पर हम सेटअप लगाए अपना देख दिखाते हैं आपको। बाकी फिलहाल का नज़ारा देखो भाई, बहुत ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। देखो पिकनिक के लिए आप आ सकते हो यहां पर। ये देखो नीचे पानी भी, नदी है, पानी पूरा दिखता है। बाकी हम भाई यहां पर सोच रहे हैं, दिख नहीं होगा, शाम से ले जाएंगे आपको, यहां पर सोच रहे हैं बनाने का। ये देखो रास्ता देखो भाई, एंड ये देखो, बहुत बेहतरीन व्यू है। तो मिलते हैं भाई, हम सेटअप लगा देखो कहाँ पर लगाते हैं, पैदल चलने का रास्ता भी। ओ भाई इतने सामान हमारा सारा, ये पहलवान पहलवान ने सबसे ज़्यादा पकड़ा है, ये हमारे भाई साहब हैं। ये देखो इसके हाथ का सामान है, रास्ता देखो भाई कैसा है, इसको रिस्क ले रहे हैं, बच्चे को गोद में लेना पड़ेगा, है ना लक्ष्य। चलो गोद में लेते हैं। यहाँ पर तो भाई मना हो गया, देख सकते हो भाई कितना सामान लेके ऊपर को आ गया, क्योंकि मंदिर है यहाँ पर, लोगों की सोच थोड़ा ख़राब है भाई, मंदिरों को सोना कर रहे हैं, लेकिन जगह इतनी अच्छी थी यहाँ पर। देखो लास्ट में बनाते हैं, देखो सोच रहे हैं इंसान की, क्या बोल सकते हैं, छोटा बच्चा देखो ऐसे, ये देखो छोटे बच्चे को पैदल इतना वापस जाना पड़ा हमें। बस कैसा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। चलो फिर तो भाई दूसरी जगह देखते हैं, अब हम कहाँ पर बन सकता है हमारा। बहुत ही टफ रास्ता था भाई, देख सकते हो गाड़ी ने कोई मतलब नहीं, इसलिए जो है ये देख सकते हो सामान सारा ले जा रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। बच्चे लोग गाड़ी में बैठे रहोगे भी, ठीक है। ये देख सकते हो हम कहाँ पर बनाएंगे अपना सेटअप। ये देखो भाई छोटी जगह मिली हमको यहाँ पर, यहाँ पर लगे, यहाँ पर बनाएंगे भाई हम, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन व्यू। देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है यहाँ कुछ कूड़ा उड़ा भाई आओ तो भाई, कूड़ा उड़ा जो कहीं भी हो, कूड़ा तो कर, गंदगी करना नहीं चाहिए। ये देखो अरे कैसा लग रहा है बताओ, आ जाओ जल्दी हो, थक गया मैं, ये क्यों निकाला, जम करो ऐसे, ये क्यों निकाला ये, चलो भाई ये देख सकते हो, मुझे कुछ पता चला यार, है ना, लाओ लड़क लुढ़क तो हो जाएगा। चलो भाड़ा आया, मजा आया भाई, मजा मजा आया, आई नहीं आया। देखो मेरा चूल्हा तैयार हो गया, ये हमारा कुकर, तुम प्याज टमाटर काट लो भाई, बैठ जाओ तुम आराम से। प्याज टमाटर तो आपने काटने इसमें डाल चावल पहले सीधे बैठ जाओ नीचे तुम एक जगह समय, इसको बोलते भाई समय का यूज़ देखो, खाली थे हम लोग जो हल्द्वानी में जो लोग चले नहीं दे रहे, इसलिए हमने सोचा यहाँ पर टाइम पास कर लेते हैं। हाँ बोलो क्या है, ओके ये चावल बनने वाले भाई साहब प्याज काट रहे हैं सुबह पहले, हम एक बार बहुत है धोना इसको, और धो लें चावल साफ के धोने से। हमारी बनती है भाई चावल के साथ मैगी, हमेशा हमारा वही रहता है, बहुत मज़ा आता है चावल के साथ मैगी खाने। तुम लोगों ने खाई कभी चावल के साथ मैगी खाई? मैंने तो नहीं खाई। अरे बहुत मज़ा आता है भाई, चलो फर्स्ट टाइम वाले हमें, चलो आज तुम्हें भाई बन गया हमारा चावल, बन गया मतलब बन रहा है, मतलब चावल बन गया, और भाई साहब प्याज काटने में लक्स मज़ा आ रहा, नहीं आ रहा है वो तो व्यू बहुत तगड़ा है यहाँ का, देख सकते हो वो ऐसी जगह गाड़ी डाल के हमें, देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल, बहुत मस्त है। आ सकते हो भाई हम पिकनिक में, तो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि आऊँगा दोबारा फिर एक बार और आऊँगा यहाँ पर, लेकिन झुंडे में आने के लिए मत आना भाई इधर, क्योंकि जंगल है बहुत तगड़ा। आपको गाड़ी दिखा दूँ कैसी जगह खड़ी करके, रास्ता नहीं था गाड़ी के लिए बिल्कुल। ये देख सकते हो भाई कैसी जगह खड़ी गाड़ी, रास्ता देखो ना यहाँ से आए हम, देखो ये देख सकते हो। तो भाई मिलते हैं थोड़े देर, साथ चावल बताया था हमें, बहुत मज़ा आता है। ये देख सकते हो टमाटर काटो, दो बड़े काट लो,
टमाटर लास्ट में काटना, चूल्हे में काट देना। एक ये भी है, महंगी है, 60 रुपये की महंगी है, ये देख सकते हो। ये तो फिलहाल खाने के लिए दो बनाते हैं, फिर दोबारा बनाएंगे। तब तक भूख लगी, चटर वटर खा लो यार, इसको मार लेते हैं। ये लो भाई छुट्टे बुट्टे, तुम दोनों का खाओ तब तक, भूख लगी ना। हाँ टमाटर काटो, नहीं टमाटर चूल्हे में काट देना सीधे। प्याज हो गया, प्याज हो गया है। तो भाई फाइनली हमारा चावल बन चुका है, अब बना रहे हैं भाई मैगी। देख सकते हो मैगी में सबसे पहले पड़ता है मक्खन, आप लोगों को पता नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ। है ना लक्स? हाँ। ये देखो अभी लक्स बनाएगा खाना। हाँ। खड़ दो लक्स बना देना। ये भाई मक्खन देख सकते हो, ज्यादा नहीं डालना मक्खन, थोड़ा सा। उसके बाद मसाले कुछ नहीं होंगे भाई इसमें, देखो देख सकते हो मसाला वसाले कुछ नहीं है, सिंपल। ओ माई गॉड, ये आ गया हमारा प्याज। मक्खन काटो, सीधे प्याज डाल दो। ये देखो ठीक है, प्याज को भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कच्ची छोटी सी भाई देख सकते हैं। ये देखो लक्ष बनाओगे? ओके ये बनाओगे ठीक है। लक्ष भी बनाता है खाना बहुत बेहतरीन है ना। उसके बाद भाई मैगी, मैगी तो आ रही है ना आगे से, मैगी देना बड़ी वाली। हाँ बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली, छोटी वाली, छोटी वाली। ये भाई है मैगी, मैगी पहले अभी हमारा पड़ेगा टमाटर, इसमें भी टाइम टाइम लगेगा। ये दिखाते हैं आपको, इसमें डालेंगे पानी। ये टमाटर, टमाटर काटा है क्या? ये है टमाटर, दो टमाटर बहुत है भाई, दो मैगी में, बाकी अपना टेस्ट के हिसाब से है। ये आए लोग, समझ आ रहा है? नहीं। क्यों? ऐसे मत करो भाई। ये ओ भाई गरम कितना है। ये देखो भाई टमाटर मैश हो गया इसमें, इसमें मसाले से कुछ डालेंगे, जो भी होगा मैगी मसाला होगा इसमें, क्योंकि और मसाले से मज़ा नहीं आएगा, जो मैगी मसाले से आएगा ना मज़ा। मैगी भी मैंने बता आपको ऐसी वैसी मैगी नहीं भाई, ये तो है स्पाइसी, वेज नॉन वेज दोनों आता है इसमें, हॉट स्पाइसी देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन इस मैगी में जो है टेस्ट अलग होता है। ये नॉर्मल आती है मैगी, वो उसमें मजा आएगी, इसमें मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इसलिए इसमें कुछ मसाले डालने की जरूरत नहीं। ये बाउंसर भाई देखो उदास हैं, दीदी की याद आ रही है ना। रिलैक्स, आ रहा है मजा? नहीं आ रहा? अब लक्ष्य बनाएगा, चलो अब लक्ष्य बनाओ, देखो देखो बनाओ लक्ष्य की बेड़ी। ये देखो मस्त बनाता खाना। सर नमक कम डालना ठीक है? ओके देखो हाँ पूरा हिला के ठीक है, इतना छोटा बच्चा मैगी बना के खिलाएगा हम आपको। चावल चावल बन गया लक्ष्य? बन गया ठीक है। चलो भाई मिलते हैं खाना बनाने के बाद आपसे, तब तक के लिए। ये भाई पड़ गया हमारे, मैंने बता रहा आपको मसाला इसमें मैगी मसाला आपने देखा होगा सिंपल, इसमें दो तरह के होंगे देखो, ये एक ये है और एक ये मैगी में आपने एक ही मसाला देखा होगा, इसमें दो तरह के मसाले हैं। पड़ने के बाद देखो कितना मस्त, ये देख सकते हो। ये है दूसरी मैगी, इसमें भी देखते हैं कितने मसाले हैं, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे मसाले होते हैं इसमें, इसमें एक ही है। ये देखो भाई लोग फाइनली बन गई हमारी मैगी, अभी दो बार बनानी पड़ेगी मैगी, खाने के लिए बहुत है, बर्तन छोटा हमारा। तो फिलहाल फर्स्ट राउंड तो हमारा हो चुका है, सेकेंड राउंड भी तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि एक में हम खाते रहेंगे और में बनता रहेगा। ये देख सकते बना रहे भाई साहब, इधर रहे हैं, ये बनाएंगे हम खाएंगे, ये लास्ट में खाते हैं, कि पेट देख के समझ सकते हो कि छोटा जो है दिन दिन का रहता है, एकदम से जो है ख़त्म नहीं होता भाई। ये बन गई मैगी, दूसरी मैगी तैयारी करते भाई, देख सकते ऐसी बनती है मैगी ठीक है। इसे बताया मैं खाने के जो चावल के साथ जो मैगी बनाने खाने का बहुत मज़ा आता है भाई, आप ट्राई कर लेना एक बार। मेरे को भी था नहीं कि हमने अचानक में ऐसे एक जगह गए थे, सब्जी कुछ थी नहीं, हमने कहा ये बना लेते हैं, तो बच्चों को भी पसंद आया था, हम घर में बनाते रहते हैं चीज़ को। लेकिन मैगी भी ऐसी वैसी स्पेशल मैगी होनी चाहिए भाई जो बताया आपको मैंने, तो इससे मज़ा आता है। बाकी देखते हैं क्या क्या बनता है, खा लेते हैं बच्चों। चलो खाना खाएंगे आप, भूख लग रही लक्स? नहीं बच्चों को भूख लगती यार।
भूख तो हमें लग रही है। चलो भाई मिलते हैं खाने के बाद, अभी खाना बन चुका हमारा, खाते खाते बाद में कर सकते हैं क्योंकि भाई यहाँ तो दे नहीं सकता हूँ खाना, आपको यहाँ से भेज नहीं सकते हैं, लेकिन आओगे तो पक्का व्यू देख सकते हो। बाकी बलूट गांव बोला मैंने आपको, बलूट से एंडिंग में रोड जाओगे तो एंडिंग में बिल्कुल ये, तो यहाँ आने का कार आर में आना बहुत टफ है। यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी कैसे जगह को रखा हुआ हमने, पता नहीं चल रहा, जाड़ी में पूरी डूब गई गाड़ी। ठीक है तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। देख सकते हो फाइनल होना, चावल बन चुका है, मैगी बन चुकी है। हमारे सुमो भाई साहब कह रहे हैं कि मैगी इसमें बनाते हैं क्योंकि इनको सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादा खाने के लिए अच्छी है, ये छोटे बर्तन में इनको मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे भाई, सारा चावल जो है डाल देंगे प्लेटों में, इसके बाद हम जो है मैगी बनाते हैं बड़े वाले कुकर में, क्योंकि दो बार बनाने थोड़ा टफ हो रहा है, इसमें ग्रेवी नहीं बन पा रही है तो समस्या हो जाएगी भाई खाते, क्योंकि खाते खाते बनाएंगे खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए जो है भाई देख सकते हो पूरा चावल कितना बेहतरीन मस्त बना हुआ है चावल। ये कुकर को पहचान भाई हमारे, ये नॉर्मल हम इसको ले जाते हैं, घर में यूज नहीं होता है, आज यहीं रुकेंगे तो कल जाएंगे फिर लास्ट की वीडियो वाले दिखाएंगे बनाएंगे भाई, ये देख सकते हो। चलो हो गया, ये हमारे ये चलो डाल देते हैं। स्टार्ट, खाना स्टार्ट हो गया। चलो खाना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो बर्तन थोड़ा सा गरीबी वाले हैं, सब्जी बनी नहीं है क्योंकि भूख लग गई, पहले स्टार्ट हो गया हमारा खाना, देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि यहाँ पर अब जो है पूरा हो चुका हमारा कार्यक्रम, खाना बनाना था बन गया, थोड़ा सा बस इंजॉय करेंगे बने का तो दिखाते हैं, नहीं तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बने रहिए सुपर फैनी ब्लॉग पे। लोग तो सबसे पहले खाना खाता है ना, गुरुद्वारे से खाना खा दिया, आराम का बचा थोड़ा सा और भाई का बचा, देख तो सीन क्या तगड़ा रखा हुआ मजा। हे भाई चूल्हा खाना पूरा खा दिया, सो पहले खाने में तो देखो पूरा कुकर उड़ा दिया भाई साहब, ये देख सकते भाई मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो में, खाते रहेंगे हम तो नेक्स्ट में आ गए हैं, आज तो हमें रुकना पड़ेगा, सुबह जो है निकलेंगे यहाँ से तो रास्ते काफ़ी बनाएंगे क्योंकि आधे से बना नहीं पाए हम, तो बाकी देख सकते हो नज़ारा कितना बेहतरीन है।